और एक नया चल रहा आजकल, अव्वाल को बिठा लिए, आर्केस्ट्रा को बिठा लिए, नाचने वालियों को बिठा लिए, 1000 रुपए लेके मैच में कड़क 10 रुपए के नोटा 20 रुपए के नोटा लाए, बस उड़ा रहे। पाकिस्तानी ड्रामों का देख लिए, बस पैसा लुटाया जा रहा, लुटा रहे। अरे यार वो 20 रुपए की अहमियत किसी को है बाहर जो रात का नहीं खा के सोया सोए? वो 20 रुपए की अहमियत उनके पास है जो अपने बच्चों के वास्ते फ्रूट सेब संतरा आम नहीं ले जा सकते, उनके पास अहमियत है। ऐसे उड़ाने के दाव में मत जाइए, आप मुकम्मल तौर पे बायकॉट करिए ऐसे वलीमे के खानों का, ऐसे शादियों के खाने का मुकम्मल बायकॉट, तब जाके अकल आएंगी लोगों को। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मेरा निकाह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, दूसरे दिन की बात थी, पड़ोस से एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफे में कुछ खाना भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही मेरे और आयशा के वलीमे का खाना है, खाओ। लोगों को बुला के खिला दिए, खत्म। जान पे लोड, 1000 आदमी का, 2000 आदमी का, 3000 आदमी का, 1500 आदमी का, मिट्टी का पैसा, सूद का पैसा, क्रेडिट कार्ड का पैसा, रहन सेंटर का पैसा, वो खर्चे का पैसा, उसके फिराने का पैसा, उसकी जायदाद हड़बली हो पैसा, उसमें खिला रहे, खाओ खाओ खाओ। खाने वालों का भी तमाशा, खिलाने वालों का भी तमाशा। खाने के लिए ऐसी सारी दावतें बायकॉट करिए, आप मुकम्मल तौर पर बायकॉट करिए। जहां जो सो फजूल खर्ची, पैसे का उड़ाना, अरे हमारे कन है उड़ा रहे भाई, तू उड़ा ले भाई, हम नहीं आते तेरे उड़ाने में। और एक नया चल रहा आजकल, अव्वाल को बिठा लिए, आर्केस्ट्रा को बिठा लिए, नाचने वालियों को बिठा लिए, 1000 रुपए लेके मैच में कड़क 10 रुपए के नोटा 20 रुपए के नोटा लाए, बस उड़ा रहे। पाकिस्तानी ड्रामों का देख लिए, बस पैसा लुटाया जा रहा, लुटा रहे। यार वो 20 रुपए की अहमियत किसी को है बाहर जो रात का नहीं खा के सोया सोए? वो 20 रुपए की अहमियत उनके पास है जो अपने बच्चों के वास्ते फ्रूट सेब संतरा आम नहीं ले जा सकते, उनके पास अहमियत है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम उड़ाओ, तुम्हारा कुछ उड़ाना है, मगर हमको बुला के मत उड़ाओ। ऐसे उड़ाने के दाव में मत जाइए, आप मुकम्मल तौर पे बायकॉट करिए ऐसे वलीमे के खानों का, ऐसे शादियों के खाने का मुकम्मल बायकॉट, तब जाके अकल आएंगी लोगों को। आपकी ताकत है, आप अपने आप में दलो। रिश्ते निभाने में दावत देना है तो रिश्तेदारों कुछ दावत नहीं है। दूल्हे के बाद एक जना ठहरे वाले था, ये मेरे समदावे के दूर के साले है। कौन सा खून का रिश्ता है? शोहर की बीवी के जो रिश्तेदार हैं वो शोहर को खूनी रिश्ता नहीं है, और बीवी के शोहर के जो रिश्तेदार हैं वो उसके लिए खूनी रिश्ता नहीं है, बल्कि इनकी औलाद को मां के खूनी रिश्ते, इनकी औलाद को इनके बाप के खूनी रिश्ते निभाना है। दामाद है, दामाद के साथ सास ससुर का खूनी रिश्ता कुछ भी नहीं है, रिश्तेदारी है कायम समदावे की ससुराली, उसमें तहजीब अदब लिहाज अखलाक सो पेश करना है, लेकिन खूनी रिश्ते का जो हक है वो गैर खूनी रिश्ते वालों के लिए नहीं है। पहले इनको तो दीजिए, बड़ा भाई गांव में उसके वास्ते दावत नहीं है, कोई उधर है उसके वास्ते पूछना नहीं है। अहले इल्म का रिश्तेदारी निभाने में सदका देना भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जकात जब तुम रिश्तेदार को दो, सदका जब तुम रिश्तेदार को दो, तो इसमें दो फायदे हैं, एक सदके का अजर भी मिलेगा, दूसरा रिश्तेदारी निभाने का भी अजर मिलेगा। गोया रिश्तेदारी मदद के जरिए, माली मदद के जरिए, राशन की मदद के जरिए, पढ़ाई की मदद के जरिए भी निभाई जा सकती। ये सब रिश्ते तोड़ दे के खाली दोस्तों के दावतां चल रही, गैरे गैरों के दावतां चल रही, और ऐरे गैरों की मदद में आप निकल जा रहे हैं। रिश्तेदार मुंह खोल के नहीं मांग सकते। सबसे पहले जकात का हक आपके रिश्तेदार का है। रिश्तों में देखिए कौन जकात का मुस्तहिक है। बड़े बड़े इदारों में आप जो जो गरीब बच्चियों की शादी करा दे रहे हैं, आप पैसा लुटा दे रहे, लुटाओ, लेकिन पहला रिश्तेदारों का ये रिश्तेदारी नहीं निभाए तो मौत से पहले इसकी सजा मिल सकती है। अल्लाह महफूज रखे, आमीन। रिश्तेदारी सही माने में तेरी रिदा के उसूल के लिए निभाने वाला हम सबको बना दिया, आमीन।